फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, जिस कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में जो है हम एक बार डीप डाइव कर लेते हैं। तो यूपीएल लिमिटेड जो है ये बेसिकली क्या है, इट इज़ बेसिकली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट एंड सेल्स ऑफ फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल सीड्स। तो ये बेसिकली इन सारी चीज़ों में डील करता है। और ये जो है इट इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशन एंड सर्विसेज विद 14,000 प्लस प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड, प्रेजेंस इन 140 कंट्रीज अक्रॉस टू 90% ऑफ वर्ल्ड फूड बास्केट। द प्रोडक्ट इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एटसेट्रा, ऑल्सो सीड्स बायो सोल्यूशंस। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी एंड ग्लोबल 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है ये एक तो जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है इन द वर्ल्ड, और इसकी 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। इसमें जो इनके जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो 14,000 प्लस प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं और 140 प्लस कंट्रीज़ में जो है ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इससे आपको इसका एक बेस पता लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी बिग कंपनी, वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट है और जो है 43 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके अलावा जो है ये जो है अगर इंडिया में अगर बात करें तो यूपीएल सैस इज़ द नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन प्लेयर इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 13%। तो जो है अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो दे आर नंबर वन, वर्ल्ड में मैं बात करूँ तो दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये वर्ल्ड में जो है इसका काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम एक बार और देख लेते हैं कि इसमें और क्या है कि इट हैज़ अ कनेक्शन विद 3 मिलियन रजिस्टर्ड फार्मर्स एंड 85,000 प्लस रिटेलर्स एंड 25,000 प्लस डीलर्स। ठीक है, तो ये जो है हमने एक बार कंपनीज के बारे में जो है हमने देखा। इसके बाद में जो है अगर इसके यूपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करी जाए तो इट इज़ अ सिक्स टॉप ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी हैविंग प्रेजेंस इन ओवर 130 कंट्रीज। तो ये आपको देखना है कि देखो फिफ्थ लार्जेस्ट जो है ये किस में है, एग्रोकेमिकल में है, और जो है ये जो है सिक्स्थ टॉप ग्लोबल किस में है, क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी में है। तो ये जो है इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये जो है टॉप फिफ्थ टॉप सिक्स लेवल में जो है इनके दो जो काफ़ी बड़े डोमेन है, क्योंकि आपको पता है क्रॉप से रिलेटेड जो है एग्रोकेमिकल जो रिलेटेड जो है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक कंट्री की जो है रिक्वायरमेंट रहती रहती है। ठीक है, और अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल जो है दे आर द नंबर वन इन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी इन इंडिया। कॉरपोरेशन अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो अंडर दिस अरेंजमेंट द सैस रिक्वायर्ड द क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस ऑफ यूपीएल इन इंडिया बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑन अ लम सेल बेसिस। यूपीएल सैस रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अबू दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी TGP एंड ब्रूकफील्ड फॉर अ एग्रीगेशन अमाउंट ऑफ $200 million फॉर अ कंसोलिडेटेड स्टेक ऑफ 9.9%। अडवांटा सीड्स बिजनेस अंडर अडवांटा एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इट रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $300 million फ्रॉम KKR फॉर अ स्टेक ऑफ 13.33%। इट ऑपरेट्स इन द हाइब्रिड सीड बिजनेस हैविंग 900 प्लस हाइब्रिड सीड्स वेरियंट्स अक्रॉस द 40 प्लस क्रॉप्स। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे ताकि आप ये पता लगा सकें जिस कंपनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो कितनी बड़ी कंपनी है, क्या क्या चीज़ें कर रही हैं और इसमें कितने बड़े लोगों ने जो है ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको पता होगा तो इसमें जो है आपका कन्विक्शन जो है वो डेवलप होगा। स्पेशलिटी केमिकल्स में जो है ये जो है सप्लाई हाई क्वालिटी एग्रो केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सारी चीज़ें देते हैं एंड स्पेशलिटी केमिकल्स टू यूपीएल ग्रुप्स, अपनी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनको बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी ये देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है 600 प्लस अदर कंपनीज को तो ये दे रहे हैं B2B में। ठीक है, अब क्रॉप प्रोडक्शन जो है इसमें अगर देखा जाए तो 84% इन फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेज 88% इन फाइनेंशियल ईयर 22 इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कन्वेंशनल एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है अगर इसको थोड़ा सा और हम डिवाइड करें तो जैसे इसमें सीड बिजनेस है, नॉन एग्रो है तो ये 11% के आसपास का ये आता है, नॉन एग्रो का 6% के आसपास में रहता है। वहीं पर ही अगर जियोग्राफिकल अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका से 41%, 16%, 14%, इंडिया से 12% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15%। तो आप ये देख सकते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जैसे ऊपर भी ये मेंशन था, 130 प्लस कंट्रीज़ में ये जो है ये सर्व करते हैं
तो इनका जो बिज़नेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कंट्रीज़ में जो है इनका काम रहता है। इसके अलावा जो इसमें जो है इनकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, 30 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड में है, अलग अलग कंट्रीज़ में है, ठीक है। इट हैज़ रजिस्टर्ड विद 14,236 प्रोडक्ट्स जो है इसके बारे में ऑलरेडी जो है इन्होंने ये रजिस्टर्ड करा हुआ है, एंड हैज़ बिन ग्रांटेड एन 1,884 पेटेंट्स जो हैं ये अक्रॉस द ग्लोब हैं। तो 1,884 पेटेंट होना एक कंपनी के पास में, ये जो है ये एक बहुत ही काफ़ी बड़ी प्रेस्टीज और काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है कुछ राइट इश्यूज़ इन्होंने जो है लाए थे, राइट इश्यूज़ से जो है इन्होंने जो है क्या करा हुआ है, 4,200 करोड़ का जो है डेट जो है इन्होंने रीपेमेंट करा हुआ है, ठीक है। जो इनका जो ग्रॉस जो डेट जो है अभी भी जो स्टूड कर रहा है वो 36,173 करोड़ का है, ठीक है। प्रोडक्ट पाइपलाइन में जो है ये क्या है, $8.5 बिलियन अक्रॉस द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड कैटरिंग टू डिफरेंट रीजन एंड क्रॉप कम्बिनेशंस बेस्ड ऑन पाइपलाइन, द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ इंक्रीजिंग इज इनोवेशन रेट फ्रॉम 14% टू 25% इन फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड अचीविंग अ 50% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ डिफरेंशिएटेड एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट विद इन दिस टाइम फ्रेम। तो आप ये देख लो कि ये जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड जो है अपना इनोवेशन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड है। तो ये जो है हमने कंपनी के बारे में जो है एक छोटी सी इसके बारे में जो है, अब जो है हम एक बार जो है आगे एक बार डीप डाइव कर लेते हैं। तो कंपनी के जो है एक बार हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो इसमें जो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 42,087 करोड़ का, इट मीन्स कि ये जो है मिड कैप कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो सबसे जो बड़ा जो मेरा जो इंटरेस्ट था इसको जो बनाने का वो ये है कि अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये जो है 1.7 के आसपास में है, जबकि इंडस्ट्री का जो है 3.3 है। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है आपको अंडर वैल्यू दाम पे मिल रही है। अगर हम इसको जो है इसका स्टॉक का पी नहीं है तो इसको हम जो है इंडस्ट्री पी के साथ में अभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट अगर जो है प्राइस टू बुक में जो है अगर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वैल्यूशन पे है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये काफ़ी अंडर वैल्यू दाम पे है। और अब इसको जो प्राइस टू बुक जो है इसके खुद के प्राइस टू बुक वैल्यू से भी जो हम इसको एक बार कंपेयर करेंगे, डेट टू इक्विटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो है इन्होंने प्रेफरेंस शेयर अलॉट करने के बाद में जो है इन्होंने काफ़ी डेट को जो है रिड्यूस भी करा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,000 करोड़ का है क्योंकि डेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो इंटरप्राइज इसकी जो वैल्यू जो आ रही है वो जो है वो 65,805 करोड़ के आसपास का आ रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसमें मैंशन है, अभी जो है हमें ऑल टाइम हाई से जो 35% के जो है प्राइस डिप पे मिल रहा है, मींस इसका जो प्राइस जो अभी हम करंट 561 का प्राइस जो है ये अभी 35.2% जो है लोअर है। इसका जो हाईएस्ट अगर अभी 52 वीक में हाई में अगर हम देखेंगे तो 639 के आसपास में गया था, अभी हमें 561 के आसपास में जो है ये हमें अभी अवेलेबल है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो इतना जो सस्ता जो हमें मिल रहा है ये किस हिसाब से मिल रहा है और कैसे जो है ये कंपनी आगे कर सकती है, ठीक है। तो हमें जो है दोस्तों आपको ये देखना है कि ये जो है UPL जो है दिस इज़ अ नंबर वन कंपनी इन इंडिया एंड नंबर 5th एंड 6th कंपनी ऑल ओवर द ग्लोब जो है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो अब जो है इसमें हमें एक वाई का पता लगाना है कि ये 36% डिप आया तो ये क्यों आया है, और ये जो है प्राइस टू बुक हमें 1.7 में अगर इसकी बुक वैल्यू में मिल रहा है जो कि 3.13 का एक इसका इंडस्ट्री है तो इतना सस्ता ये हमें क्यों मिल रहा है। तो वी शुड नो द रीज़न वाई, अगर हमें वाई क्लियर होगा कि हम इस कंपनी को क्यों खरीदें या फिर ये जो डी ग्रोथ जो हुआ है या हमें सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है ये क्या ये टेम्परेरी जो है हमें सस्ता मिल रहा है या कि ये परमानेंटली सस्ता ही रहता है, तो इस दो चीज़ों का अगर आपके पास में जो है अगर आंसर होगा तो जो है आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ जिसका मीडियन जो है हमेशा 2.2 के आसपास में रहता था, लेकिन अभी जो है इसका मीडियन जो है 1.7 के आसपास में जो है आपको अभी मिल रहा है, मीडियन से भी जो है ये काफ़ी नीचे के वैल्यूएशन में मिल रहा है। और सेम जो है मीडियन हमें जो है ये कब मिला था, काफ़ी पहले समवेयर अराउंड 2019-2020 के बीच में जो है हमें ये सेम वैल्यूएशन में मिला था, उसके बाद में जो है आप इसका वैल्यूएशन देख सकते हो कितना अप गया था, उसके बाद में जो है ये हमें सेम वैल्यूएशन पे जो है आज हमें मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 2019
20 में और 2024 में 4 साल के बीच का ये जो वैल्यूएशन हमें फिर जो है 4 साल पुराने वैल्यूएशन में मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है और क्या ये टेम्प्रेरी रीज़न है? आने वाले टाइम में जो है ये हमें जिस तरीके से यहाँ पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिला, इस तरीके से ये हमें ग्रोथ आने वाले टाइम में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो इसको जो है हमें जो है दो तरीके से हमने देख लिया। एक तो इसको हमने पीयर्स के साथ में कंपेयर करा है, तो प्राइस टू बुक के साथ में जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं पीयर्स के साथ में जब हम कर रहे हैं तभी भी ये हमें अंडर वैल्यू में मिल रहा है, और जब हम इसको खुद के साथ में 5 ईयर के टाइम में खुद के साथ में जो है सेल्फ के साथ में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तभी भी जो है हमें ये अंडर वैल्यू दाम पे मिल रहा है। तो ये तो हमें श्योर होगा कि ये जो हमें अभी जिस वैल्यूएशन पे ये हमें मिल रहा है वो एक अंडर वैल्यू प्राइस पे जो है हमें ये अभी बाय करने का चांसेस है। ठीक है, अब जो है एक बार जो है इसका जो है प्राइस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसकी प्राइस की मूवमेंट हुई है। तो अगर आप प्राइस की मूवमेंट देखोगे तो ये यहाँ पे फ्लैट रहता था, फ्लैट के बाद में जो है इसने ये जो है काफ़ी अच्छा जो है ये इसने एक रेंज बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है ये प्राइस जो है यहाँ पे है, इस बार जो है इसका जो है एक बार टेक्निकल चार्ट में जो है हम इसको एक बार और अच्छे से इसको हम स्टडी करेंगे। तो प्राइस जो है आप एक बार ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है ये हमें काफ़ी एक अच्छा जो है डाउनफॉल अभी इसमें देखने को हमें ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। अब ये डाउनफॉल का रीज़न क्या है इसको जो है हम एक बार आने वाले वीडियो में जो है हम इसको स्टडी करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है दोस्तों, आप इसको प्रोज अभी इसमें जो है कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव है। ठीक है, कॉन्स जो है इसमें बहुत सारे कॉन्स हैं, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि वाई, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्यों हैं। तो कंपनी जो है एक तो लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसका मतलब ये था कि इसके पास में जो है डेट जो है बहुत ज़्यादा ले लिया था, तो डेट ज़्यादा होने के कारण में जो है इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद में इन्होंने कुछ हद तक जो है डेट को रिपेमेंट भी करा है। दूसरा जो है ये कह रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 8.55 है, अगर लास्ट 3 साल का एवरेज देखें तो ये जो है ये भी काफ़ी कम है। तो अब जो है इसको हम एक बार जो है इसके जो पीयर्स जो हैं उसके साथ में जो है कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इसको पीयर्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो आप दोस्तों आप हमेशा ये जानिएगा कि पीयर्स के साथ में कभी हम कंपेयर करते हैं वो 100% इसके पीयर्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है UPL का एक बार जो है वैल्यूएशन अगर हम चेक कर लेते हैं, वैल्यूएशन जो है करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमें जो है अभी PE जो है हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो है इसमें अगर देखा जाए तो इसका 1.7 है। अब एक चेक कर लेते हैं कि ये जितने भी जो पीयर्स दिखा रहे हैं क्या इसमें ये सबसे लोएस्ट है? यस, इसमें जो है ये सबसे जो है हमें लोएस्ट वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। ठीक है, इसका जो ROCE जो है ये जो है 10.65 के आसपास में, जबकि दूसरी जो है इसमें जो है दूसरों का काफ़ी अच्छा जो है इसमें ये है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। यहीं पर अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो इसके सेल्स में भी कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, ये भी एक जो है काफ़ी बेहतरीन नहीं है। इसलिए जो है अगर आप जो है इसका एक साल का रिटर्न देखोगे तो 0.3% है, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो 35% के आसपास में ये हमें डाउन मिल रहा है, ये देखिए 35% के आसपास में। और इसके अलावा जो है दूसरा जो कोई इसके पास पास में डाउन है तो एक शारदा क्रॉप है। इसके अलावा UPL जो है ये हमें देखा जाए तो सबसे डाउन प्राइस में हमें मिल रहा है और सबसे सस्ता मिल रहा है, सबसे डाउन भी मिल रहा है और सबसे जो है ये सस्ता भी मिल रहा है। तो ये इसके लिए जो है दो बातें जो हैं ये हमें काफ़ी पॉजिटिव हैं कि एक तो ऑल टाइम हाई से सबसे सस्ता मिल रहा है, और दूसरा अगर मैं इसको जो है करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू से अगर मैं इसको देखूं तो तभी भी जो है हमें ये अपने पीयर से और इसके जो है 5 ईयर्स के मीडियम से जो है हमें दोनों से जो है ये हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है एक बार हमने इसका वैल्यूएशन देख लिया है, हमने इसके जो है पीयर्स जो है इसके साथ में कंपेयर कर लिया है, अब जो है इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट में चलते हैं और एक बार इसको समझने की करते हैं कि ये जो है ये रिजल्ट किस तरीके से जो है पोस्ट कर रहा है। तो जून 2023 में जो 8,900 करोड़ का जो था वो जो है यहाँ पे जो है 9,000 करोड़ का आया, तो इसका मतलब कि जो बिज़नेस कहीं ना कहीं पे जो है यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ये हमें दिख रहा है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, अगर मैं जून से जून को अगर मैं कंपेयर करूँ तो। ठीक है, वहीं पर ही अगर मैं मार्च से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो है वो डी ग्रोथ आया था, दिसंबर से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ आया था, सितंबर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ आया था, और अगर मैं लास्ट जून को करूँ तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ आया था। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो जितना भी जो टाइम है इस चारों टाइम में जो है यहाँ पे डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो है मैं जब मैं यहाँ से जून को कंपेयर कर रहा हूँ तब जो है यहाँ पे हमें जो है कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल रही है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो है सेल्स अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पे मैं ये कहूँगा कि सेल्स का जो बॉटम जो होना था, जो सेल्स जो यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा था, वो सेल्स जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सेल रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हम इसका एक बार प्रॉफिट में देख लेते हैं इसी तरीके से।
प्रॉफिट जो है वो जून में जो 102 करोड़ का जो था वो अभी जो है माइनस में 527 करोड़ में, इसका मतलब काफ़ी बड़ा डिप है। वहीं पर ही अगर जो है मैं इसको जो है पीछे के जो है चार अगर इससे भी कंपेयर करूँ तभी भी जो है यहाँ पे जो है मेरे को काफ़ी अच्छा खासा जो है ये डिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी बड़ा जो है डिप आया हुआ है। तो सेल की जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है बहुत सारा डिप है, बहुत ज़्यादा डिप है अगर मैं लास्ट के फोर क्वार्टर को कंपेयर करूँ और उसके जो लास्ट के जो फोर क्वार्टर हैं उसको अगर पीछे के फोर क्वार्टर से कंपेयर करूँ तभी भी जो है मुझे मेजरली जो है मुझे डिप मिल रहा है, दो में डिप मिल रहा है और दो में जो है इसमें और इसमें जो है ये थोड़ा सा ये इंक्रीज़ है। ठीक है, दो कुछ में इंक्रीज़ है कुछ में जो है ये डिप है, तो इसमें और इसमें जो है ये मेरे को थोड़ा सा इंक्रीज़ मिल रहा है और इसके अलावा डिप है। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि मोटा मोटा जो है 1.5 साल से, क्योंकि जो है इसमें करीबन करीबन जो है 6 लास्ट क्वार्टर से जो है हमें ये डिप देखने को मिल रहा है, नहीं इसमें 2.5 साल का जो है हमें जो है इसमें डिप देखने को मिल रहा है, तो 2.5 साल से जो है इसमें जो है काफ़ी डिप आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो डिप जो है ये आने के कारण क्या है, क्या ये डिप आने के बाद में जो हमें जो वैल्यूशन मिल रहा है क्या ये जो है वैल्यूशन हमें सूट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है थोड़ा सा इसकी सेल्स पैटर्न को जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो है वहाँ पे देखा था। तो अब जो है इसको देख लेते हैं कि 2023 और 2024 में जो है यहाँ पे डिप आया हुआ है। 2024 और 2000 अभी जो 12 ट्रेलिंग मंथ देखूँ तो एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही है पैटर्न, थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हुआ है बट ऑलमोस्ट जो है मैं इसको सेम ही मानूंगा। इसके बाद में अगर 2022 से अगर 2023 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट था, यहीं पर ही जो है अगर मैं पीछे के जितने भी जो ईयर्स हैं पीछे के 7-8 ईयर्स का अगर मैं देखूँ तो इसमें जो है हमें ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिली है। तो ऐसा क्या हुआ है कि 2022 से के बाद में 2022 के बाद में 2023 में ग्रोथ मिला, लेकिन 2023 के बाद में जो है हमें जो है ये ग्रोथ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 23 से जो है आज जो है हम 2024 के जो है अगस्त में हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ये 1.5 साल के आसपास से जो है ये ग्रोथ जो है ये गायब क्यों है, इसका रीज़न क्या है और क्या इसके हिसाब से जो है इसका जो सेल्स में डी ग्रोथ हुआ है इसकी वजह से क्या हमें जो है अभी ये अच्छे वैल्यूशन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और आने वाले टाइम में जो है ये क्या ये इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी। नेट प्रॉफिट जो है इसी कारण से जो है आप ये देख सकते हो कि 2024 में और अभी जो 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है ये माइनस में है। यहाँ भी जो सेल जो है यहाँ तक जो है इसके आसपास में जो है अगर आप पीछे से अगर आप कंपेयर करोगे तो एक अच्छी खासी जो है इसमें ग्रोथ थी, ये जो ग्रोथ जो है ये ग्रोथ जो है यहाँ पे आके रुक गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है ये एक्सपेंसेस वगैरह जो है इनकी डेफिनेटली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है काफ़ी अच्छा बढ़ने के बाद में यहाँ पे जो है ये डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अदर इनकम में जो है ये सेम ही रहा है बल्कि कमी हुआ है। इंटरेस्ट वगैरह जो है ये इनका काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए जो है इन्होंने जो है लोन वगैरह की भी जो काफ़ी जो है पेमेंट वगैरह करी हुई है। ठीक है, अब जो है इसको जो है हम थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके चलते हैं और यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 5 साल में जो है यहाँ पे जो है 3 साल में जो है मेरे को जो प्रॉफिट जो ग्रोथ जो है सेल्स का जो है सिर्फ 4% का है और प्राइस जो है उसी हिसाब से माइनस टैंक हुआ है 8% के आसपास में। 12 ट्रेलिंग मंथ में 16% का जो है सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, वहीं पर ही जो है प्राइस जो है वो -3% टैंक हो गया और प्रॉफिट जो है वो तो ह्यूज हो चुका है, -170% टैंक हो चुका है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका जो है एवरेज 10 साल का 13% था, फिर 10% में आया, फिर 9% में आया, अभी जो है अभी के टाइम में जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी जो है काफ़ी कम है, -4 के आसपास में। ठीक है, अब जो है इसको जो है हम एक बार और नीचे लेके चलते हैं, इसके बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में तो क्या कोई हमें जो है अलार्मिंग नहीं दिख रहा है। तो देखा जाए तो इक्विटी जो है अपना कैपिटल सेम है, रिज़र्व जो है ये जैसे जैसे सेल बढ़ रही थी प्रॉफिट बढ़ रहा था वैसे रिज़र्व यहाँ पे बढ़ रहा था, और लास्ट ईयर से अभी में जो है रिज़र्व में जो है थोड़ी सी इन्होंने जो है वो कटौती करी है। ठीक है, बोरोइंग जो है इनकी जो है जो कि 24-26 के आसपास में जो थी 26,000 से जो है इन्होंने घटा के जो है 23,000 करा था, और अभी जो है फिर से जो है इनकी बोरोइंग थोड़ी सी बढ़कर जो है वो 29,000 के आसपास में करोड़ में हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है ये इनका एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रहेगा कि ये जो है अपने आने वाले टाइम में अपनी जो बोरिंग जो है इसको ये किस तरीके से कम कर सकें। CWIP जो है इससे आपको पता लग रहा है कि इनका जो है काफ़ी जो है ये पैसा करीबन 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास में जो है हर साल ये जो है ये अलग से निकाल रहे हैं कि नई फैक्ट्रीज वगैरह जो है
उसमें डालने के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है ये हमारे लिए पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में जो है ये डेफिनेटली जो है हमें आगे जो है सेल्स को और नेट प्रॉफिट को एनहांस करने में ये जो हेल्प करेगा, ठीक। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देख रहे हो कि इसका जो है हमेशा से पॉजिटिव है, और ये जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो हो रहा था, यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा जो है एक डिप भी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो है हम जो है इसका जो है रेशियोज़ वगैरह जो है ये चेक कर लेते हैं। ये भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये जो है इसमें जो है ये डिक्रीज ही हो रहा है। ये जो है सारी चीज़ें हैं ये जो है हमें प्रेशर पर ही देख लें, ठीक। कैश कन्वर्शन साइकिल में भी प्रेशर में है, तो ये लगभग सारी चीज़ें जो हैं आपको, वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं ये भी प्रेशर में है, तो सारी चीज़ें ये आपको प्रेशर में दिख रही हैं। आरओसी जो है 3% का है, जबकि अगर आप एवरेज देखोगे तो 14% के आसपास में, 13%, 10%, 21-22%, तो एवरेज जो है काफ़ी अच्छा आरओसी रहता था, लेकिन अभी जो है आरओसी में भी जो है काफ़ी जो है वो डिप आया हुआ जो आपको जो है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ये चार्ट में भी जो है ये दिख जाएगा कि इसका जनरली जो है आरओसी देखिए कितना बेहतरीन रहता था, अभी जो है इसका जो है आरओसी जो है ये भी जो है अभी जो है काफ़ी जो है सरप्रेस हो चुका है, जो कि 13 और 10% के आसपास में एक एवरेज रहता था, अभी जो है काफ़ी सरप्रेस हो चुका है। तो ये जो है अब हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, कि हमने एक रीज़न देख लिया कि क्या रीज़न था कि ये जो है प्राइस जो है ये नीचे आया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो रीज़न जो है ये टेम्परेरीली रीज़न है या फिर एक जो है परमानेंटली रीज़न है। उससे पहले जो है एक बार जो हम एक बार होल्डिंग में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग जो 28% के आसपास में होती थी, वो अभी बढ़ के जो है 32% के आसपास में हो गई है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक की जो होल्डिंग जो होती थी 18% के आसपास में जो रहती थी, वो घट के 14% हुई थी, फिर बढ़ के जो है अभी जो है 17% के आसपास में हो गई है। लास्ट अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो जो 18% के आसपास में थी वो 17% के आसपास में, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। वहीं पर ही नंबर ऑफ़ शेयर होल्डरों को अगर मैं देखूं तो 4,83,000 जो होता था वो 4,38,000 के आसपास में, ये जो है ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि हमारा जो पब्लिक जो है इसमें जो है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक बार हम देख लेते हैं कि पब्लिक में जो है 17% में भी जो है 3% जो है ये HNI है। यहीं पर ही जो है FII का अगर हम डेटा देखें तो FII जो है ये इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ करा हुआ है, और यहाँ पे जो है DII जो है इसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो है अगर मैं सिर्फ लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो FII DII ने इंक्रीज़ करा हुआ है, और जो रिटेलर जो है यहाँ से जो है ये डिक्रीज़ हुआ है, तो ये जो है ये हमारे लिए एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब जो है जो एक सबसे मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि अब जो इसमें जो हमें जो डिप जो ये हुआ है इसका कारण क्या है, ये टेम्परेरली है कि परमानेंट है, तो ये जो है ये हमें देखना है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि इसका जो कॉन कॉल जो है इसके जो है हम एक बार नोट्स देख लेते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको कन्विक्शन बनाने के लिए जो है, जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है इंडिया में नंबर वन है, और वर्ल्ड में जो है 5th और 6th प्लेस में इनकी जो जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसमें जो है ये लीडर है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो है क्या इसमें जो है आपको ये लगता है कि ये रिवाइव नहीं कर पाएंगे, इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इनमें रिवाइवल आने के जो है वो 99.9% चांसेस रहता है, और वो जो अब जो है वो रिवाइवल भी कैसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, वो भी जो है आपको जो है यहाँ पे इनके जो कॉन कॉल जो है जो इन्होंने अगस्त 2024 में करा है उसके हिसाब से जो है हम एक बार इसमें स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है परफॉर्मेंस वगैरह, बिजनेस सेगमेंट वगैरह जो है ये हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसमें जो है नेट जो है इन्होंने जो है डेट को जो है ये रिड्यूस करा हुआ है, फाइनेंशियल जो है ये सारी चीज़ें हैं, गाइडेंस। अब आपको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जो है ये हेल्प करेंगे। इन्होंने ये बोला है कि आने वाले टाइम में जो ये जो कमिंग जो ईयर है इसमें जो गाइडेंस जो इन्होंने दिया हुआ है, एबिटा का जो गाइडेंस दिया हुआ, उन्होंने बोला कि 50% से जो है ये इंप्रूव हो सकता है एबिटा मार्जिन। तो 50% से अगर जो है एबिटा इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली इसका जो असर जो है शेयर प्राइस में भी जो है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ये देखना है कि इसका जो रीज़न जो था वो क्यों था, क्या था इसका रीज़न जिसके हिसाब से जो है ये दिक्कत हुई थी इनके सेल्स वॉल्यूम में, प्राइसिंग में, इनका जो मार्जिन जो रिलीज हुआ है, इनका जो आपका जो आरओसी जो रिलीज़ हुआ है,
उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि प्राइजिंग प्रेशर ड्यू टू ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना, बट मैनेजमेंट बिलीव द प्राइस हैज़ बीन स्टेबलाइज नाउ. एंटिसिपेशन ऑन नॉर्मलाइजेशन इन मार्जिन इन द सेकेंड हाफ ऑफ क्वार्टर एज हाई कॉस्ट इन्वेंट्री इज लिक्विडेटेड. तो जो है इसमें जो है सबसे बड़ा इशू ये था कि चाइना जो है वो ओवर डंप कर रहा था ये सारे प्रोडक्ट्स का. आफ्टर 2019-20 जब जो है ये कोविड आया, कोविड आने के बाद में जो है ये सारे मटेरियल की जो होती है दे हैव अ एक्सपायरी. तो इसमें क्या हुआ कि जब जो है कोविड आया तो चाइना के पास में जो है ये काफ़ी जो है सरप्लस हो गया, तो जो सरप्लस है उसको एक्सपायर हो जाता तो वो उसकी वेस्ट हो जाती. इसलिए जो है उन्होंने क्या कर दिया, उनको डंपिंग करना शुरू कर दिया एट वेरी लो कॉस्ट एट वेरी लो मार्जिन. और ये जो डंपिंग का जो ये जो डंपिंग जो चाइना ने करी है इसकी वजह से जो है ये जो कंपनी जो है इसमें जो है क्या आ गया है, इनके जो हैं सेल्स, इसके जो हैं मार्जिन, ये जो हैं ये डिप हो गए, जिसके कारण से जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेगेटिव में चल गया है. ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक सबसे बड़ा रीज़न था. तो आप दोस्तों अब आप ये बताइए कि जो चाइना जो है यहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल साफ कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर जो था चाइना के जो है ओवर डंपिंग के हिसाब से था, और अब जो है इनके हिसाब से जो है ये स्टेबलाइज हो चुका है. आने वाले टाइम में क्या ये जो है कंपनी नेगेटिव से जो है प्रॉफिट में जाएगी, और जाएगी तो क्या ये पीछे के लेवल में पहुंचेगी. जब ये पहुंचेगी तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपने ऑल टाइम हाई में पहुंच के भी जो है ऊपर के प्राइसेस में जो है आएगी कि नहीं आएगी. इसमें जो है दोस्तों आपको जो है ये ज़रूर सोचना है कि इसमें जो टाइम जो है वो हो सकता है कि एक साल ना लगे, दो साल लग जाएँ, तीन साल लग जाएँ. अगर आप इस कंपनी में जो है अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये माइंड में रख के चलना है कि इसमें जो है 3 से 5 साल का जो है आपको जो है इसमें व्यू बना के चलना है. और अगर आप 3 से 5 साल के व्यू बना के चलते हो तो ये नो ब्रेनर है. इसमें जो है आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा, और जो प्रॉफिट जो भी होगा वो अराउंड जो है मेरे हिसाब से 25% CAGR के ऊपर ही जो है आपको इसमें जो है बेनिफिट मिल सकते हैं. क्योंकि आप जो है अभी जो है कंपनी को उस टाइम पे जो है आप बाय कर रहे हो जब ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल में, अपने जो है एवरेज में, अपने जो पीयर्स में जो बिल्कुल लोअर लेवल में जो है ये अवेलेबल है. ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है आप डेफिनेटली जो है इसको आप रीड ऑन करिएगा. न्यू प्रोडक्ट जो है ये भी पाइपलाइन में है. ठीक है, मार्केट प्रेशर जो है इन्होंने जैसे कि बताया कि कंपटीशन फ्रॉम द चाइनीज जेनरिक एंड प्राइजिंग प्रेशर कंटिन्यूज टू बी अ कंसर्न. ये जो कंसर्न जो है ये आने वाले हो सकता है कि 5-6 महीने तक और रहे, लेकिन उसके बाद में जो है ये डेफिनेटली ओवरकम होगा, और जब ये ओवरकम होगा तो डेफिनेटली दैट विल गिव्स बेनिफिट. मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस जो है ये कह रहा है कि मैनेजमेंट एक्सप्रेस अ कॉन्फिडेंस इन अचीविंग अ गाइडेंस डिस्पाइट द करंट चैलेंजेस, सिटिंग इम्प्रूवमेंट इन कैश फ्लो एंड अ फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी. द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ ड्रिवन बाय अ इम्प्रूवमेंट मार्केट कंडीशन एंड इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे जो है ये आपको जो है ये जो इन्होंने जो यहाँ पे जो कमेंट्री वगैरह जो आपको दी हुई है कि सेकंड हाफ में जो है ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि जो है इसमें जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो आ भी चुकी है. ठीक है, अब जो ये जो इम्प्रूवमेंट जो है ये जो इम्प्रूवमेंट जो है ये आपको जो है कहाँ पर, तो अब जो है इसका जो है आपने जो है ये सारी चीज़ देख ली. कॉन कॉल में जो है आप इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है ये भी पढ़ सकते हैं, पूरा ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़िए. इसके नोट्स जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि स्क्रीनर ने जो बनाए हैं वो मैंने आपके सामने लिख रहा है. इसकी कॉन कॉल्स की PPT वगैरह जो है आप देख सकते हैं. इसके क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं ये आप डेफिनेटली पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी इनसाइटफुल चीज़ें रहती हैं. और एनुअल रिपोर्ट जो है ये थोड़ी सी लेंदी रहती हैं. अगर आप जो है सबसे पहले कॉन कॉल को जो है प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद में जो है आप क्रेडिट रेटिंग को स्टडी करिए, और उसके बाद में जो है आप एनुअल रिपोर्ट्स को भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं. जो है इसके बाद में स्क्रीनर जो है जो काफ़ी एक अच्छा जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट का सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें जो है रिसेंटली इन्होंने क्या क्या जो है अनाउंसमेंट करी है. और कुछ आपको सर्च करना है गाइडेंस या कोई भी चीज़ जो है आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको जो है ये डेटा वगैरह भी जो है यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है दोस्तों आपने देखा कि जो है इसकी जो की इनसाइट्स हैं वो यही हैं कि आपको जो है ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे
अगर हम इसको कंपेयर करें पीयर्स के साथ में, अपनी कंपनी अपना जो 5 ईयर का एवरेज है, तो आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका रीज़न यही है कि इनका जो सेल्स जो है वो काफ़ी जो है इसमें डिप आया हुआ है। सेल्स के अलावा जो है इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें काफ़ी डिप आया हुआ है। इसका जो रीज़न जो है वो ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनका ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, जो कि एवरेज में 20% के आसपास में रहता था या 18% के आसपास में रहता था, वो अभी जो है 10% के आसपास में है। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ा हिट है। आने वाले टाइम में ये जो है डेफिनेटली इसको जो है ये इम्प्रूव करेंगे। जैसे ही ये इसको इम्प्रूव करेंगे तो ये जो है आपको प्रॉफिट में देखना चालू हो जाएगा। और दूसरा जो इसका जो सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि इसका जो डेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो है इसको जो इंटरेस्ट जो है उसका भी एक प्रेशर आ रहा है। आने वाले टाइम में जैसे ही ये दो चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि इनके बहुत सारे जो हैं ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, CWIP अच्छा कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जैसे ही ये दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं और जब ये चाइना का डंपिंग जो है ये जब रुक जाता है, अभी जैसे बेस ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि इस बार जो है अगर आप लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो है, जैसे कि आने वाले टाइम में और जब ये इंप्रूवमेंट होती है, तो इसका जो इम्पैक्ट जो है आपको जो है इसके शेयर प्राइस में भी देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब जो है हमने एक बार जो है इसकी सारी स्टडीज़ कर ली हैं, अब जो है इसको एक बार हम टेक्निकल पैरामीटर्स में देख लेते हैं कि अगर इसको टेक्निकल पैरामीटर में अगर हम देखें तो टेक्निकल पैरामीटर में ये किस तरीके से हमें दिख रहा है, क्या इसका जो है आगे आने वाला प्रोस्पेक्ट जो है एज़ पर टेक्निकल व्यू वो हमें कैसा लग रहा है। हमने जो है एक बार जो है इसका जो है फाइनेंशियल्स वगैरह देख लिए हैं, इसके फंडामेंटल चेक कर लिए हैं, अब जो है एक बार टेक्निकल में एक बार चेक कर लेते हैं। तो टेक्निकल अगर देखा जाए तो आप ये देखिए 2016 से जो है ये कॉन्टीन्यूसली जो है ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब जो इसने जो हाई जो बनाया था 2021 से जो है ये नीचे गिरने आ रहा है, और आज के टाइम में जो है ये हमें जो है 560 के प्राइस में मिल रहा है। तो अब इसमें जो है दो चीज़ें जो है इसमें देखने को हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो ये जो ऊपर का जो ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें जो है ये बार बार जो है टच करके नीचे आता है, और नीचे में देखा जाए तो जो सबसे इसने जो बेस बनाया था वो इसने नीचे जो है ये यहाँ पे जो नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में जो इसने जो नीचे जो ये आया ये यहाँ पे आया। इसका मतलब ये है कि लोअर हाई जो है ये पैटर्न बना रहा है। एक ये इसने लोअर हाई ये था, इसके बाद ये दूसरा लोअर हाई है, ये तीसरा लोअर हाई है, और ये जो अभी जो है ये अभी जो है चौथा लोअर हाई लग रहा है। तो जब ये जो है ये इस तरीके के लोअर हाई लगते हैं तो ये हमें एक जो है ये पॉजिटिव देते हैं, टेक्निकली जो है ये हमें पॉजिटिव लग रहे हैं कि टेक्निकली जो है ये लोअर हाई बना रहे हैं, तो जो है ये हमें एक तरीके से जो है हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरा कि ये जो है ये आप इसको ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ से जो है एक जो है इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में जो है ये ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आके अब जो है ये फिर से ऊपर की तरफ जो है ये हमें जाता हुआ दिख रहा है, तो ये भी जो है एक पॉजिटिव पॉइंट हमें दिख रहा है। तो टेक्निकल पैरामीटर से अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक जो है आपको जो है अगर आप प्राइस के अगर मैं बात करूँ तो 2017 के लेवल में जो है ये हमें जो है इस टाइम पे अभी अवेलेबल है, और 2017 से अगर आप इसका जो नेट प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी जो है वो डाउन है। लेकिन हमें जो है इसमें भी क्लैरिटी है कि ये डाउन का रीज़न है, कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि जो है ये कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में जो है उनके पास में जो एक्सपायरी मटेरियल जो होने वाला था, एक्सपायरी मटेरियल को डंप करने के लिए काफ़ी लो प्राइसेस में जो है वो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये चाइना से जो है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जैसे ही इनका जो भी इनके पास में जो भी स्टॉक जो था जब वो ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो है ये UPL को बेनिफिट करेगा। आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि ये जो कंपनी जो है दे आर द लीडर इन इंडिया एंड दे आर द लीडर एज एन फिफ्थ एंड सिक्स पोजिशन इन ऑल ओवर द ग्लोब ऑल्सो। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वीक में जो है मैं आपके साथ में नेक्स्ट स्टॉक लेकर आऊँगा। आप जो है मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को जो है आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि जो है इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट जो है ये काफ़ी लोगों तक पहुँच सके और हम साथ में जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है वो बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वीक में नए स्टॉक के साथ में नई कंपनी का जो है ओवरऑल स्टडी करने के लिए जो है हम फिर से जो है एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए आई एम शाइनिंग ऑफ दिस साइड मन थापा, टेक केयर, बाय बाय।